said she know me, she don't know me. Limousine riding, pulled up in a Corvette, that's a Corvette with the dog. She said she love me, but I know the bitch rolling up a pint of the codeine. Shawty said she know me, she don't know me. Limousine riding, pulled up in a Corvette, that's a Corvette with the dog. She said she love me, but I know the bitch lying. Whip ain't fast enough. You talk too much shit, but don't back it up. Shoot on deck if you're trying to get backed up. It's broken boy, bitch, I don't need to throw rags up. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सिरा। तो गाइज, जैसे ही OB35 का अपडेट आया, आप लोगों का ढेर सारा कमेंट आने लगा कि भाई मेरा बिल्कुल भी हेडशॉट नहीं लग रहा है, मेरा बहुत ज्यादा मतलब रिकॉइल हो रहा है और गेम भी स्मूथ टाइप से नहीं चल रहा है, ऐसा बहुत सारा कमेंट आने लगा। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए इसके सोल्यूशन के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इन तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। ये वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। अगर पूरा एंड तक देखोगे तो जैसा आप लोगों ने प्रीव्यू पे देखा भाई, आप लोगों का हेडशॉट भी टपाटप लगने लगेगा और रिकॉइल भी बहुत कम होगा आप लोगों का और गेम भी पूरा स्मूथ टाइप से चलेगा। और भाई देखो यार, कंजूसी करते हो इसीलिए हेडशॉट नहीं लगता है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो गाइस, अभी के टाइम पे भाई सबसे अधिक दिक्कत हमारे लो एंड पीसी वाले भाइयों को आ रहा है और जिनका थोड़ा मिड टाइप का पीसी है उनको भी थोड़ा बहुत दिक्कत देखने को मिल रहा है। तो चिंता मत करो यार, लैग फिक्स सेटिंग के ऊपर वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इस वीडियो पे 800 लाइक आप लोग कंप्लीट करा दोगे तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगा लैग फिक्स सेटिंग के ऊपर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरा भी पीसी उतना हाई एंड नहीं है, तब पर भी आप लोग देख सकते हो जो मेरा FPS है 80-90 तक मिल रहा है और मैं सिंपल प्ले स्टोर वाला जो फ्री फायर APK है उसमें खेल रहा हूं और मेरा भी FPS ठीक ठाक मिल जा रहा है और मेरा भी गेम मतलब जो है वो सही से चल रहा है। लेकिन मैंने बहुत सारा सेटिंग करके रखा है तो आप लोगों को वो मैं बताऊंगा जैसे इस वीडियो पे 800 लाइक आप लोग कंप्लीट करा देते हो, तो उसके लिए एक बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस, अभी हम लोग बात करेंगे भाई कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा सेटिंग करके रखा है जिससे मेरा जो रिकॉइल है वो भी बहुत कम होता है और हेडशॉट भी अभी के टाइम पे बहुत अच्छे खासे लगते हैं। तो देखो यार, अभी के टाइम पे आप लोग अगर कोई भी एमुलेटर पे खेल रहे हो, BlueStacks 4, BlueStacks 5 या फिर MSI, तो ज्यादा DPI मत रखो। मैंने ज्यादा DPI रखा था, मेरे को बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम देखने को मिला, जैसे कि मेरा गेम थोड़ा अधिक ही फंस के चल रहा था और मतलब उतना अच्छा नहीं चल रहा था। तो देखो यार, अभी के टाइम पे अगर आप लोग DPI रख रहे हो तो यहाँ पे जो भी BS ट्विकर में अवेलेबल है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 240 से लेके 480 तक रखो, बहुत मस्त चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। आप लोग 320 भी रख सकते हो, 400 भी रख सकते हो, 440 भी रख सकते हो और 480 भी रख सकते हो। तो आप लोगों को इस पे रखना है। अगर लो एंड पीसी होगा, अगर आप लोग ज्यादा DPI रखोगे तो आप लोगों को दिक्कत होगा। तो गाइज, OB35 अपडेट आने के बाद भाई जो भी बंदों का गेम था भाई, जो भी प्ले स्टोर वाले फ्री फायर का APK पे खेल रहे थे, उनका जो गेम है वो थोड़ा बहुत लैग मार रहा था और मेरा भी कभी कभी जो गेम था वो फंस जा रहा था और थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल रहा था। तो मैंने क्या किया भाई, देखो मैंने सिंपली जो इम्यूलेटर का जो यहाँ पे जो CPU का कोर्स होता है, यहाँ पे 4 हटा के मैंने 6 कर दिया पूरा। मेरे पास जितना कोर अवेलेबल है मैंने टोटल दे दिया और जब मैं स्ट्रीम करता हूँ तो इसको मैं 5 कर लेता हूँ। तो यार, अगर आप लोग सिर्फ गेम खेलते हो, मतलब कि आप लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते हो, स्ट्रीमिंग नहीं करते हो, तो अभी के टाइम पे अगर आप लोगों को गेम पूरा स्मूथ टाइप से खेलना है तो आप लोग अपना CPU का टोटल कोर दे सकते हो। जैसे कि अगर आप लोगों को देखना है कि आपके CPU में कितने कोर्स हैं, तो आप लोग यहाँ पे सिंपल मतलब जो टास्क बार है यहाँ पे राइट क्लिक करना है, टास्क मैनेजर में आ जाना है और यस पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद से यहाँ पे परफॉर्मेंस पे आ जाना है और यहाँ पे जैसे मतलब परफॉर्मेंस पे पहले से हूँ तो आप लोग यहाँ पे दिखेगा भाई जो टोटल कोर्स है यहाँ पे मेरा जो है 6 है, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि हाँ आपके पास कितने कोर अवेलेबल है। और अगर आप लोगों को गेम पूरा स्मूथ टाइप से खेलना है, मतलब अगर पहले तो आप लोग एक कोर कम रखना, जैसे कि अगर आप लोगों के पास 6 कोर है तो 5 रखना। अगर 5 पे स्मूथ चले तो फिर मस्त खेलो, अगर नहीं चल रहा तो फिर आप लोगों को टोटल 6 कोर रख देना है। और अभी हम लोग बात करेंगे जो मेरा गेम का सेंसिटिविटी है वो क्या है। तो आप लोग यहां पे देख सकते हो जो गेम सेंसिटिविटी है वो सब मेरा 0 है, टोटल 0 है। उसके बाद से अभी हम लोग बात करेंगे कि जो मैंने ट्विक्स मतलब कौन सा ट्विक्स रखा है। तो आप लोग यहां पे देख सकते हो, मैं आप लोगों को ट्विक्स दिखा देता हूं। तो आप लोग यहां पे देख लो जो मेरा ट्विक्स है भाई, मैं मतलब एक अलग ही ट्विक्स पे खेल रहा हूं, आप लोग यहां पे देख लो, मतलब एक तरह से रिवील ही कर दिया हूं। तो 74880
066। एक बार ट्राई करके देखना भाई, बहुत मजा आ जाएगा, अलग ही लेवल का गेम चलता है। और मेरे एक्स एंड वाई पे ध्यान मत दो, क्योंकि मेरा एक्स एंड वाई, मैं एक लो सेंसिटिविटी प्लेयर हूँ, तो मेरा जो एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी है वो बहुत कम है। तो गाइज अगर आप लोग मेरे ही जैसा एक लो सेंसिटिविटी प्लेयर हो तो आप लोग कुछ इस तरह से अपना एक्स एंड वाई रख के ट्राई कर सकते हो। ये नहीं बोलूंगा कि पूरा मेरे तरह ही रख लेना, आप लोग गेम खेलना, देखना कि हाँ आप लोगों का किस पे बढ़िया हेडशॉट लग रहा है और किस पे अच्छा सा मोमेंट हो रहा है वो देख के रखना। ये नहीं कि भाई तुम यही उठाओ और कॉपी करके रख लो और फिर बाद में कमेंट करो कि भाई मेरा बिल्कुल भी हेड नहीं लग रहा है, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। मैंने बहुत सारा ऐसा वीडियो बनाया है कि हाउ टू फाइंड बेस्ट एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी, तो आप लोग जरूर से जाके वो वीडियो देख लेना, आई बटन में आप लोग को लिंक दिख रहा होगा। जैसे कि अभी आप लोग देख लो, जो मेरा माउस डीपीआई है वो भी 700 है और जो पोलिंग रेट है मैंने 1000 रखा है, और मेरे माउस में टोटल पोलिंग रेट 8000 तक अवेलेबल है लेकिन मैंने 1000 रखा है। अगर आप लोगों के पास एक गेमिंग माउस नहीं है तो आप लोगों का जितना डिफॉल्ट है उतना रहने दो, माउस डीपीआई मेरा देखो 700 मतलब यहां पे मैंने रखा है, क्योंकि मैं जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक लो सेंसिटिविटी प्लेयर हूं। बट अगर आप लोग एक हाई सेंसिटिविटी प्लेयर हो तो आप लोगों का जो एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी है अपने हिसाब से भाई, मतलब जिस पे आप लोग का थोड़ा अच्छा खासा मूवमेंट हो और जिस पे आप लोग मतलब खेलना चाहो, आप लोग उस हिसाब से रख सकते हो। तो गाइस एक और क्वेश्चन जो कि आप लोग सबसे ज्यादा करते हो कि सेरा भाई क्या तुम कोई रेजिडेंट यूज करते हो, तो देखो यार मैं OB35 अपडेट से पहले कोई भी रेजिडेंट यूज नहीं करता था, और यहां पे OB35 अपडेट से पहले सिर्फ वीडियो बनाने के लिए रेजिडेंट यूज करता था, जो मेरे को अच्छा लगता था मैं आप लोगों को बताता था। लेकिन भाई OB35 अपडेट आने के बाद मेरा UMP थोड़ा ज्यादा ही रिकॉइल मार रहा था, तो मेरे को क्या करना पड़ा देखो मैं आप लोगों को यहां पे दिखा देता, यहाँ पे जैसे ही मैं माउस सेटिंग सर्च करूंगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं जैसे ही एडिशनल माउस ऑप्शन में जाता हूं तो यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन में आप लोगों को चले आना है, और यहाँ पे देखो सबका 6th डॉट पे डिफॉल्ट सेट होगा, मेरा यहाँ पे मैंने इसको 4th डॉट पे कर दिया है। तो ये मैंने खुद से नहीं किया है, ये रेजिडेंट है जिसको मैंने रन कराया और ये मेरा ऑटोमेटिक मतलब 4th डॉट पे सेट हो गया। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि हाँ इसको ऑटोमेटिक करना और ये रेजिडेंट अगर रन कराते हो तो बहुत अच्छा खासा ऑटोमेटिक आपका माउस का सेटिंग हो जाएगा, जिससे आप लोगों का रिकॉइल भी बहुत कम होगा। और ये डिफॉल्ट माउस रेजिडेंट है, और देखो इस रेजिडेंट को रन कराओगे तो 4th डॉट पे ऑटोमेटिक जाके सेट होगा, और ये जो थोड़ा माउस का जो स्पीड है ना, कर्सर का स्पीड, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे अगर आप लोग ड्रैग करोगे तो मतलब पूरा चांस रहेगा कि भाई आपका ज्यादातर गोलियां जो है वो हेड पे ही चपकेगा, और मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत रिकॉइल हो अगर आप लोग एक हाई सेंसिटिविटी प्लेयर हो तो। अगर आप लोग लो सेंसिटिविटी पे खेलते हो तो भाई बहुत कम रिकॉइल करेगा। और अगर आप लोगों को इस रेजिडेंट को रन कराने के बाद कोई दिक्कत आए, अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये तो थोड़ा ज्यादा ही स्लो हो गया, या फिर मतलब थोड़ा अगर कुछ दिक्कत है अगर आप लोगों को, तो ये डिफॉल्ट माउस रेजिडेंट है, आप लोगों को सिंपल इसको रन करा लेना है, आपका सिंपल जो माउस है वो एकदम बिल्कुल पहले जैसा वर्क करने लगेगा और एकदम बिल्कुल पहले जैसा चलने लगेगा। तो आप लोग चाहो तो इसको करा सकते हो, मेरे को तो बेनिफिट मिला इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और अभी के टाइम पे ये रेजिडेंट मेरा मतलब अभी मैंने लगाया हुआ है माउस का, तो आप लोग एक बार जरूर से इसको ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों को डाउनलोड ना करने आए तो हाउ टू डाउनलोड फ्रॉम माई लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक वीडियो दिखेगा, बस उसको आप लोगों को देख के ये दोनों रेजिडेंट को डाउनलोड कर लेना है। और कोई भी मैं अभी के टाइम पे एमुलेटर रेजिडेंट यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ माउस का एक यूज कर रहा हूँ, वो भी OB35 अपडेट आने के बाद। तो गाइस सेटिंग्स तो मैंने अभी आप लोगों को टोटल बता दिया है, लेकिन अभी आप लोग पूछोगे कि भाई हम लोग अपना एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी बिल्कुल सही तरीके से कैसे सेट करें। तो देखो यार इसके ऊपर मैं पहले से 2 वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग जाओ उसको देखो और अपना सेंसिटिविटी देख के सेट करो, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में है। अगर मैं इस वीडियो में बताऊं सही से सेट करना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो वीडियो जाके जरूर से आप लोग देख के बिल्कुल अपना जो सेंसिटिविटी है सही तरीके से सेट कर लो, और उसके बाद गेम प्ले करके देखो, बहुत मजा आएगा। जैसे आप लोग देख रहे हो बैकग्राउंड गेम प्ले, यहां पे मेरा बिल्कुल भी मतलब बहुत ना के बराबर रिकॉइल हो रहा है, मतलब रिकॉइल बहुत कम हो रहा है, और आप लोग यहां पे देख सकते हो। तो आप लोग जरूर से एक बार ट्राई करो, और कितना बेनिफिट होता है प्लीज एक बार मेरे को कमेंट करके बता देना। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत हो, तो डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाओ फॉलो और ज्वाइन कर लो, और जाते-जाते यार लाइक ठोक के जाओ, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके जानो तू धिम धिम ना, धीरे धीरे जरा दम लेना, प्यार से जो मिले गम ले।